वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से खबर है जहां जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामले को लेकर यह खबर है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में केवीएट दाखिल की है। मामले पर सुना जाए राज्य सरकार का पक्ष। कोई फैसला देने से पहले पक्ष सुना जाए। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने ये दायर याचिका की है। कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मामले पर राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। कोई फैसला देने से पहले पक्ष सुना जाना चाहिए। तो निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज हो गया है। राजद्रोह का केस दर्ज होने पर सियासी संग्राम अब बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का इसको लेकर बयान सामने आ गया है। ये बेहद गंभीर मामला है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है, सरकार बताए छापे में कौन से दस्तावेज मिले हैं, राजद्रोह के केस का आधार क्या है। धरमलाल कौशिक के बयान पर वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मामले पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। जीपी सिंह के साथ विपक्ष के बड़े नेताओं की मिली भगत है। एडीजी रैंक का कोई अधिकारी हो और वो यदि षड्यंत्र में शामिल हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो सरकार के ऊपर खतरे की घंटी आ गई और उसके बाद में उसके ऊपर राजद्रोह का मामला यदि कायम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ऐसा कौन कौन सा कार्य उन्होंने किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सार्वजनिक करने की आवश्यकता। किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है, और कोई बड़ा षड्यंत्र का कोशिश था जो मिल करके और इस प्रकार की जो बात आप जो कह रहे हैं उसको अंजाम देने का कोशिश था, तो जो हुआ है ठीक है।